हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आज एक फार्मा कंपनी के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा हैवीली करेक्ट हो गया है पिछले कुछ हफ्तों में ही। आप देख सकते हैं गाइस, एक हफ्ते में अप्रोक्स शेयर आपका जो ये करेक्ट हो गया है कम से कम 30% के करीब करेक्ट हो गया है। गाइस, इसका एक महीने का चार्ट खोला है और हाई से देखोगे आप तो 30% की करेक्शन हो गई है और लो से हाई देखोगे तो करीब करीब 35% आप ऊपर अपसाइड दिख सकती है। गाइस, ये शेयर है, इस शेयर का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा। गाइस, वैसे ही फार्मा स्टॉक्स में कहीं ना कहीं बहुत तंगड़ी पिटाई चल रही है, चाहे आप सिप्ला देख लो, सन फार्मा देख लो, स्टार देख लो, कैडिला हेल्थ देख लो या फिर ऑरो फार्मा। गाइस, ऑरो फार्मा इसलिए चुना है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही हैवीली पिटाई होती हुई दिखी है। और गाइस, आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में भी शेयर में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह मार पड़ती हुई दिखी, 6% के करीब फ्राइडे में टूटा है, उससे पहले 8% टूटा है, तो कंटिन्यू टूटता ही जा रहा है ये शेयर। इस शेयर में गाइज अगर आपकी भी पोजीशन थी तो आप बुरी तरह से ट्रैप हो गई और बुरी तरह से लॉस में हो, तो आपके लिए क्या होगी राय? या फिर आप इन स्तरों पे कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है तो क्या उसे बनानी चाहिए या अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए? सारी बात करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में, तो चलिए गाइज वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइज, स्टॉक की बात करें तो 681 के लेवल्स पे आ गया है। 52 वीक हाई देखोगे इसका तो गाइज 1063 का है, वहां से बहुत ही बुरी तरीके से करेक्ट हो गया है शेयर। गाइज, ये शेयर वैसे भी स्पाइक के लिए जाना जाता है बट जिस तरीके से इसमें गिरावट और फॉल आया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है और मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स का पैसा किसी भी लेवल पे अगर उन्होंने पिछले एक महीने में लगाया तो कहीं ना कहीं 5-10% के लॉस में होंगे और मोर देन दैट भी, उससे ज्यादा भी हो सकता है। गाइस, शेयर की बात करें तो 940, 920, 40, 50, 60 यहाँ पे घूम रहा था शेयर और उसके बाद जो रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद से फॉल जो शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाइस, इस कदर टूट रहा है, देखो सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डी की वजह से शेयर गिरे। सारे आप सभी को याद होगा कि डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट खराब आए, जिस दिन वो 11% टूटा उस दिन फार्मा में अच्छी खासी पिटाई हुई, उसके बाद खुद शेयर के रिजल्ट खराब आए जिसकी वजह से शेयर टूटा और उसके बाद से जाए गाइस फार्मा शेयर्स की कहीं ना कहीं हालत खराब होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं बुरी तरह इनमें मार पड़ती हुई दिख रही है। तो गाइस, अभी क्या करना चाहिए इन शेयर्स में? देखो गाइस, ये शेयर जो है आपको मैं बता दूं, करीब करीब 680 के लेवल्स पे जो लास्ट टाइम हमने देखा वो 19 मई 2020 यानी एक साल के निचले स्तर पे आ गया है शेयर। आई थिंक 52 वीक हाई लगाया है कल के दिन इसका, 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा है शेयर में आपका फ्राइडे के सेशन में यानी कल के दिन, तो एक साल के निचले स्तर पे मिल रहा है शेयर का। क्या ये शेयर बेकार है? इसके फंडामेंटल्स जानेंगे सबसे पहले हम लोग, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं 5 साल का चार्ट खोल के देखोगे तो ये शेयर सन 2019 में 21 अप्रैल को 831 के लेवल पे था जहां से शेयर में फॉल आया और 400 का शेयर रह गया यानी 50% करेक्ट हो गया और उसके बाद जो तेजी आई वो 880 तक की आई और उसके बाद शेयर 1063 का हाई लगाते हुए दिखा और अब शेयर में फिर से बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। तो क्या ये शेयर कहां तक जा सकता है उसके बारे में जानेंगे अभी। गाइस, इसके थोड़े डिटेल्स में फंडामेंटल्स चेक करें तो मैं आपको बता दूं इसकी वीकनेस जो देखने को मिल रही है वो 13 है। सबसे पहले वीकनेस की बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ी वीकनेस में कुछ है नहीं, एक आ रहा है डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको बताया रिजल्ट्स जो थे थोड़े से खराब दिखे थे। दूसरी वीकनेस डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। डी ग्रोथ इन क्वार्टरली रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट इन रीसेंट रिजल्ट, ये भी एक कमजोरी वाली बात है। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 3 क्वार्टर यानी पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू गिरता हुआ आ रहा है। प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है शेयर में। वहीं सामने देखा जाए तो 10 स्ट्रेंथ में है, तो स्ट्रेंथ में देखा जाए तो सबसे बढ़िया क्या है, कंपनी विद लो डेप्ट, कर्ज कम है कंपनी के ऊपर। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज यानी कि गिरवी शेयर छुड़ा रही है कंपनी कहीं ना कहीं। FII एंड FPI और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, बड़ी खबर है ये। अच्छा, आप कंपनी के बारे में जान ले थोड़ा सा, तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 40,000 के अराउंड का है, 40,000 करोड़ की कंपनी है, आपको 40,000 करोड़ की कंपनी है कहीं ना कहीं ऑरोबिंदो फार्मा। गाइस, टेक्निकल्स देखो तो गाइस देखो ये 20, 100, 50 और 200 डे सबके नीचे और बहुत हैवीली नीचे है। 200 DMA में भी गाइस शेयर का देखोगे आप तो 913 पे प्लेस है जो कि अब कहीं ना कहीं आपको कहाँ था वो दिख रहा है, 680 पे आ गया है शेयर। और गाइस RSI इंडिकेटर देखिए,
ओवरसोल्ड है, बट किस कितनी हैवीली 10 पे आ गया RSI इंडिकेटर 10 पे, और आप सभी को पता है 30 पे ओवरसोल्ड हो जाता है ये, और 10 पे चल रहा है। तो गाइस एक तरीके से तो वैल्यू बाइंग बन रही है, बट शेयर जिस हिसाब से गिरता हुआ जा रहा है कहां तक गिरेगा वो देखने वाली बात है। अच्छा मैं आपको रिजल्ट्स याद दिला दूं, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कंसोलिडेटेड ये रेवेन्यू है गाइस, मैं आपको कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7.7 बिलियन रुपीस वर्सेस 7.83 बिलियन रुपीस, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट। अनुमान जो था मार्केट का 8.2 बिलियन का था, जिसके मुकाबले 7.7 बिलियन आया, तो काफी कमजोर थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरा, मार्केट के अनुमान से भी कम होता हुआ दिखा। अच्छा गाइस देख लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स के पास 51.83% की शेयर होल्डिंग है। FII इसके पास 23.70% है। DII एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 12.72% है। अदर्स के पास 11.75% है। गाइस साथ ही साथ अगर इस शेयर के वॉल्यूम्स वगैरह पे नजर डालोगे तो वॉल्यूम्स हैवीली जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 5 दिन के एवरेज की बात करें तो अप्रॉक्स 10 लाख वॉल्यूम्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से डिलीवरी मात्र 27.71 लाख शेयर्स की होती हुई दिख रही है, यानी कि 29%। कल की बात करें तो 83 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, जिसके सामने 23.73 लाख शेयर्स डिलीवर होते हुए दिखे हैं, यानी कि 28.57%। गाइस चार्ट अगर आप रिटर्न का पैटर्न देखोगे तो बहुत नेगेटिव दिखेगा। एक साल में -20% रिटर्न, 3 महीने में -34% रिटर्न। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि शेयर बहुत ज़्यादा पिट गया है। अभी क्या करना चाहिए गाइस, मेरे हिसाब से ये वैल्यू बाय बनता है, बट आप बाय कितना करें, क्वांटिटी बहुत कम रखें और इस शेयर को बाय करके 3 से 6 महीने का टाइम दें। आप देखो ये जो गिर रहा है ना, ये फॉल में हो सकता है 550 या 500 चला जाए, बट ये जो जिस रफ्तार से गिर रहा है ना, ये उसी रफ्तार से उठने का दम रखता है। गाइस इस शेयर का आप अगर एक साल का चार्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि एक साल के लोअर लेवल्स पे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, 2 साल का चार्ट खोल के देखोगे तो 2 साल में शेयर आपका 300 रुपए से 1000 के लेवल्स तक गया। 5 साल का चार्ट खोल के देखोगे तो 5 साल में गाइस आपको जो इसका स्टार्टिंग का 2016 के अगस्त में इसका प्राइस था 789, जिसके बाद गिरते गिरते ये शेयर आ गया 300 रुपये पे, जैसा कि मैंने भी आपको बताया 300 से 1000 रुपये पे आ गया। गाइस 10 साल का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको लो मिलेगा 64 का, और शेयर 64 से 831 पे गया, और वहाँ से फिर 300 पे जो सबसे लो था, और अभी फिर से गिरना शुरू हो रहा है। गाइस ऑल टाइम हाई सॉरी पूरे जिंदगी भर का इसका चार्ट देखो तो 1996 में 5 रुपए का शेयर था ये। तो गाइस ये शेयर जाना ही इस कदर जाता है कि एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे, बट मेरे हिसाब से आपको हल्की क्वांटिटी में, यानी कि अप्रोक्स 10 या 20% बाय बनाना चाहिए शेयर में। गाइस ओवरऑल शेयर ज़्यादा मतलब ओवरऑल खराब नहीं है शेयर, अच्छी कंपनी है, अच्छा कारोबार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि फार्मा सेक्टर पिट रहे हैं, और ये शेयर चलता ही कुछ इस तरीके से, या तो ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। और गाइस इसमें थोड़े दिन पहले आपको याद होगा तो एक खबर आ रही थी डीमर्जर के लिए कुछ ऐसा कुछ, जिसमें शेयर के टारगेट 1200 रुपये तक के आ रहे थे एनालिस्ट के। तो मेरे हिसाब से इसमें एक वैल्यू बाइंग बनती है, और अगर आपकी पोजिशन ऊपर के लेवल पर फंस गई है तो प्लीज़ एग्जिट ना करें, क्योंकि शेयर अभी डाउन ट्रेंड में, बट ये अप ट्रेंड में आएगा तो आपको आपके लेवल पर जरूर मिलेगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए शेयर नेगेटिव हो चुका है, और शेयर में कहीं ना कहीं बाउंस बैक भी बनता है मेरे हिसाब से, RSI इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट हल्की क्वांटिटी में फ्रेश एंट्री करें, और ये शेयर अभी नीचे जा सकता है तो और आपके लिए मौके बन सकते हैं। ये मेरी वीडियो और बिंदु फार्मा पे होगा, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।